गुड इवनिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे शॉर्टकट मेथड से, यानी एक और मेथड लगाएंगे यहाँ पर। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल जो है, यानी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है स्टूडेंट, इसमें मैं ये शॉर्टकट मेथड से क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट, वेरिएंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, जो शॉर्टकट मेथड है हमारे पास वेरिएंस फाइंड आउट करने का, वो देखिए क्या है, एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वही हमारा क्या होता है, एन होता है, यानी नंबर ऑफ डाटा जो होते हैं वो एन होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट एच जो होता है वो यहाँ पे है, ये जो क्लास इंटरवल के बीच की जो लेंथ है, यानी क्लास की जो लेंथ है, कितनी लेंथ है, जैसे लेंथ 10 है इसकी, इसकी भी 10 है, क्योंकि 10 टू 20 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो एच यहाँ पे बन जाता है 10। इसी तरीके से स्टूडेंट फिर हमें जरूरत पड़ती है डी आई की, और डी आई स्टूडेंट यहाँ मेंशन हमने कर दिया है, मीन के अंदर भी हम ये डी आई फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ भी हमने फाइंड आउट किया है एक्स आई माइनस ए। ए यहाँ पर स्टूडेंट हम डाटा में से जो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आएंगी उनमें से ही किसी एक वैल्यू को हम ए कंसिडर करेंगे, और फिर इसके बाद स्टूडेंट इस कम्प्लीट टेबल को बना के हम जो जो वैल्यू हमें वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो हम यहां से सारी उठा लेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले हमारे पास ये क्लास इंटरवल दे रखा है और कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है। एक्सरसाइज 15.2 एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड मीन एंड वेरियंस, हमें इसमें मीन फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, वेरियंस। मीन जो है स्टूडेंट ये आपने खुद फाइंड आउट करना है, आपके पास डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, आप जिससे भी चाहें उससे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम स्टूडेंट इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। तो देखिए स्टूडेंट, जो वेरिएंस अगर हमें शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपने टेबल बनानी है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ टेबल में सारी वैल्यूज लिख ली है, इसी तरीके से आपने भी टेबल में ऐसी इस तरीके से टेबल बनानी है, और टेबल में इस तरीके से सारी वैल्यूज जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो इनमें लिख देनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक्स आई फाइंड आउट करते हैं, और जैसा कि पता है हमें स्टूडेंट इसको हम मिड पॉइंट या मिड वैल्यू भी बोल देते हैं, तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्लास इंटरवल के अंदर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट उन दोनों का सम, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप कह सकते हो दोनों का सम और उसका हाफ कर देना है। 0 प्लस 10 10 और उसका हाफ करेंगे 5, 10 प्लस 20 30 हाफ करेंगे 15, 10 प्लस 30 50 हाफ किया 50 का 25, 30 प्लस 40 70 हाफ करेंगे 35, एंड 40 प्लस 50 90 हाफ करेंगे 45। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स आई आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हमें एक और कॉलम है, देखिए इस कॉलम में हमें एक्स आई में से एक वैल्यू आपने ए माइनस करनी है। ए यहां पर क्या है स्टूडेंट, एज्यूम्ड मीन है, और ए की जो वैल्यू है यहां पे आप इनमें से कहीं से भी आप कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लेना। जनरली हम स्टूडेंट मिड में से वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मिड में जो वैल्यू है वो 25 है, तो मैंने ए कंसिडर कर लिया है 25। अब ये स्टूडेंट टेबल हमने बनानी है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 25, तो आपने क्या करना है, इन सभी डाटा में से यानी एक्स आई में से ए को हमने माइनस करना है, ये एक्स आई की वैल्यू है, इनमें से ए को माइनस करेंगे 5 माइनस 25, 5 इज स्मॉलर 25 इज ग्रेटर, हम क्या कर रहे हैं 5 में से 25 को माइनस कर रहे हैं, देन रिमाइंडर इज माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 इज 0, एंड 35 माइनस 25, 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो प्लस 10,
और 45 में से 25 को माइनस करेंगे प्लस 20। इसका हमें सम नहीं करना है, देखिए टेबल में कहीं भी आपको इसका सम नहीं दिखाई देगा। इसके बाद हमें स्टूडेंट डी आई फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें डी आई की रिक्वायरमेंट होगी। तो डी आई हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास एक्स आई माइनस ए की जो वैल्यू आई है, ये इन सभी को आपने एच से डिवाइड कर देना है। एच स्टूडेंट हम यहाँ दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जितनी भी नंबर्स आई है आपके सामने ये कितनी या किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, आप एच उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप इनके बीच का जो गैप है क्लास इंटरवल का इसको भी आप एच कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारी 10 से डिवाइड हो रही है और इनके बीच का गैप भी 10 है, तो आप कोई से को भी एच कंसिडर कर सकते हैं, तो एच यहाँ पर आ जाता है कितना 10। तो स्टूडेंट जब 10 से आप इन सभी डाटा को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा -2। 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करोगे -1, 0 को डिवाइड करोगे 10 से 0, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 और 20 को 10 से डिवाइड किया 2। डी आई के बाद स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ आई की डी आई से हमें प्रोडक्ट करनी है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हमारे पास डी आई हो जाता है। और इस कॉलम की स्टूडेंट हमें जो फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उनकी आपस में क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है हमें इस तरीके से, इस कॉलम की वैल्यूज की, इस कॉलम की कोरस्पोंडिंग वैल्यूज के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई 5 × -2 - 10, 8 × -1 - 8, 15 × 0 = 0, 16 × 1 = 16 एंड 6 × 2 = 12। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें एफ आई डी आई का क्या करना है, सम करना है, यानी इस कॉलम का हमने सम करना है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, तो सम हम कर लेते हैं। सम करने का स्टूडेंट सबसे अच्छा मेथड है कि आप पहले पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए और नेगेटिव को, और फिर उनका इकट्ठा स्टूडेंट जो भी रिजल्ट आता है वो लिख दीजिए, 16 + 12 = 28, और इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा -18। 28 में से -18 को आप माइनस करेंगे, 28 में से 18 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 10। तो ये रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कितना 10। इसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एफ आई की हमें मल्टीप्लाई करनी है डी आई के स्केयर से, तो स्टूडेंट ये जो डी आई है इसका हमें स्केयर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका स्केयर स्टूडेंट मैं इसके साइड में यही कर देता हूँ अलग से एक कॉलम बना के, और इसमें हम लिख देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, आप अलग कॉलम भी बना सकते हो और मैंने यहीं पे बना दिया एक कॉलम डी आई का स्केयर। तो इन वैल्यूज का हम स्केयर करेंगे, इसका स्केयर करेंगे 4, इसका स्केयर किया 1, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। तो ये हमारे पास डी आई का जो स्केयर आया स्टूडेंट यहाँ पे उसकी हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट यहाँ पे, एफ आई से मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 की स्टूडेंट्स, इस 4 की हम 5 से प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्टेंट इज 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ही आएगा 20, और 1 की स्टूडेंट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां पर तो ये आ जाएगा 8, और उसके बाद 0 की स्टूडेंट हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड एंट्री है इधर से भी, थर्ड एंट्री है तो थर्ड एंट्री आ जाएगी 0। 16 के स्टूडेंट डी आई का स्केयर 1, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 6 के स्टूडेंट इधर 2 का स्केयर आया था 4, डी आई का स्केयर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिजल्ट इज 24। तो इन सभी को स्टूडेंट अगर हम ऐड करते हैं तो 20 + 8 = 28 + 16 = 4, 3 + 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 44 + 24 = 8, 6 तो रिजल्ट हो जाता है हमारे पास 8, 6 यानी 68। और आप इस स्टूडेंट इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 24 + 16 = 40, और 40 में स्टूडेंट पहले हम 20 ऐड कर लेते हैं, 60 और प्लस 8 कितना हो जाता है 68। अब स्टूडेंट जो भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो सारी वैल्यू अब हमें फॉर्मूले में पुट करके वेरियंस को हमने क्या कर देना है, फाइंड आउट कर देना है। तो स्टूडेंट यहां मैं वेरियंस फाइंड आउट कर रहा हूं, देखिए वेरियंस इज इक्वल टू, वेरियंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा स्केयर से। सबसे पहले हम बात करते हैं एच स्केयर बाई एन स्केयर, तो
एच की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 10 और एन की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, इनका आप सम कर लीजिए, 5 प्लस 8 13, 13 में 15 ऐड करेंगे 28 और 28 में 16 ऐड करेंगे 44 और 44 में 6 ऐड करेंगे 50, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास टोटल जो सम है फ्रीक्वेंसी का 50। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, एच स्केयर बाई एन स्केयर, एच स्केयर हमारे पास यानी 10 का स्केयर बाई में एन का स्केयर यानी 50 का स्केयर, एन की वैल्यू हमारे पास 15 है। उसके बाद है स्टूडेंट इन टू ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एन, एन की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 50 और इन टू में करना है हमें समेसन ऑफ एफ आई डी आई का स्केयर जो है, ये जो हमारे पास सम आया ये आपने यहां लिखना है, इन टू में 68 माइनस एफ आई डी आई का जो समेसन आया उसका स्केयर, एफ आई डी आई स्टूडेंट हमारे पास 10 आया है, तो 10 का हमें क्या करना है यहां पे स्केयर। अब यहां देखिए स्टूडेंट कैलकुलेशन करते हैं, 10 का स्केयर 100 और 50 का स्केयर आ जाएगा 2500, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगी 0 5 8 जा 40, 4 कैरी 5 6 जा 30 प्लस 4 34 माइनस 10 का स्केयर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 1 बाई 25, 3400 में से 100 को माइनस करेंगे 3300 और ये आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास 3300 को हमने डिवाइड करना है 25 से। आप स्टूडेंट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म से भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको आप सीधा डिवाइड कर लीजिए, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3300 को हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट यहाँ पे 25 से, तो 1 पे चला जाएगा डिवीजन 25, 13 माइनस 5 8 और यहाँ स्टूडेंट क्योंकि एक कैरी हम ले चुके हैं 2 माइनस 2 इज 0, यहाँ से 0, 33 में से 25 को माइनस किया 8 और एक 0 हमने ये नीचे ले लिया। अब स्टूडेंट 3 पे 25 3 जा 75, 5 इज रिमाइंडर, एक 0 और ले लीजिए, 2 पे चला जाएगा 50, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस आ जाता है कितना 132। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है इसको हम शॉर्टकट फॉर्मूला भी बोल देते हैं और आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए।